ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। अभी महाराष्ट्र के विधायक कांग्रेस के आओ, शिवसेना के आओ, एनसीपी का आओ या बीजेपी का आओ, जो विधायक आएंगे हमारी ड्यूटी है उनकी पूरी तरह सुरक्षित रखना और भेजना। ये हमारी सरकार है, हमारा कर्तव्य है। जो बाहर के विधायक आओ चाहे और कोई व्यक्ति भी आता है, पर्यटक भी आता है, तो जिम्मेवारी बनती है कि उनकी कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, सुरक्षित रहे। तो जो आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। अभी आने की खबरें हमारे पास आई नहीं है, आने लगेंगे तो मुझसे पहले आपको मालूम पड़ेगा। पूरी जुडिशरी आश्चर्यचकित है कि हो क्या रहा है, क्या हुआ है, समझ के परे हैं। क्यों हुआ, उनका व्यवहार क्यों बदला, ये समझ के परे हैं। जिस मुल्क में ये हालत हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में लोग कई तरह की बातें चर्चा करें, तो आप सोच सकते हो कि जुडिशरी कहाँ जा रही है। इन तमाम हालातों में देश चल रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है ऐसे वक्त में। जुडिशरी के बाद में मीडिया ऐसा है जो जनता को आगाह कर सकता है। अगर मीडिया दबाव में चल रहा है, अगर इनके मालिक और इनके संपादक आप लोगों के, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप तो खाली मेहनत कर रहे हो, आपके मालिक और संपादक की अगर कॉन्शियस जो है वो नहीं जागेगी, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। मोदी जी ने आज मन की बात करी है, युवाओं को संबोधित किया है, एनसीसी डे की बधाई की, लेकिन महाराष्ट्र मामले पे कुछ नहीं बोला। मोदी जी को चाहिए मन की बात की बजाय दिल की बात करें, नंबर एक। नंबर सर्जिकल स्ट्राइक की बजाय जो उन्होंने फर्जी स्ट्राइक की है, ये जो फर्जीवाड़ा की स्ट्राइक की है, इस पर मोदी को ध्यान देना चाहिए। उनकी उनकी बगैर सहमति के ये संभव नहीं है। वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये फर्जिकल स्ट्राइक है, इतना ही फर्क है। ये फर्जिकल स्ट्राइक, वो सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का महत्व देश के लिए है और फर्जिकल स्ट्राइक का दुर्भाग्य देश का है। ये मैं कह सकता हूँ, राज्यपाल महाराष्ट्र को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उनकी भूमिका जो रही है वो बीजेपी से मिली भगत के करके रही है, जो अनफॉर्चुनेट है। राज्यपाल महोदय की जो भूमिका होती है वो इस प्रकार होती है कि आप कन्विंस हो जाओ, उसके बाद में आप रिकमेंड करो कैबिनेट को। कब तो रिकमेंड किया, कब सुनवाई हुई, कब फैसला हुआ, कब राष्ट्रपति महोदय ने साइन किए, और सुबह 5:47 पर राष्ट्रपति शासन हट गया और 8 शपथ हो गई। तो ये जो लुका छिपी करके जो गेम हुआ है, इसको लेके पूरा देश जो है स्तंभ रह गया कि हुआ क्या है। कल पूरे मुल्क में इस बात की चर्चा रही है, पूरे देश के अंदर ये एक नज़ीर बन गई है कि ये किस दिशा में मुल्क को ले आना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा राज्यपाल महोदय को मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा देना चाहिए।